नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं D24x7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुविदा। आज के समय में हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाने का प्रयास करता है, अपनी हैसियत को ध्यान में रखकर वेडिंग प्लानिंग करता है, मगर एक लिमिट के अंदर वो ये सब कुछ कर पाता है। इस बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जहां अपनी शादी में एक शख्स ने 120 करोड़ का वेडिंग प्लानर हायर किया। इसमें से 42 करोड़ रुपए उसने कैश दिए। जब इस शादी का खर्च 200 करोड़ तक पहुंच गया, तब इस पर ईडी की निगाह पड़ी। ईडी ने अब तक भोपाल, मुंबई में तलाशी के बाद 417 करोड़ रुपए जब्त किए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स है कौन। इस शख्स का नाम सौरभ चंद्रकार है। सौरभ चंद्रकार के बारे में बताया जाता है कि वह छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। फिलहाल वह अभी दुबई में रहता है। उसके पिता नगर निगम में पंप ऑपरेटर थे। सौरभ की एक जूस की दुकान थी। 2019 में वह दुबई गया और अपने एक दोस्त रवि उत्पल को भी बुलाया। इसके बाद उसने महादेव ऐप लॉन्च किया और वह धीरे धीरे ऑनलाइन सट्टा बाजार का बड़ा नाम बन गया। बताया जा रहा है कि चंद्रकांत नाम का ये शख्स सट्टेबाजी ऐप महादेव के जरिए लाखों लोगों से हजारों करोड़ की ठगी करता रहा। आरोप है कि चंद्रकांत अपने साथी रवि उपल के साथ मिलकर ऐप के आड़ में सट्टेबाजी का सिंडिकेट चलाता है। ईडी ने बताया कि सट्टेबाजी के पैसों को खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। नए यूजर और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित करने के लिए सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में बड़े पैमाने पर खर्च भी किया जा रहा है। ईडी ने कहा कि सौरभ चंद्रकार और उपल ने संयुक्त अरब अमीरात में अपने लिए एक साम्राज्य खड़ा कर दिया है। सौरभ चंद्रकार की शादी हाल ही में यूएई में हुई। यहाँ के एक बड़े शहर में आरए के मैरिज हॉल में शादी हुई। इस शादी में नागपुर से मेहमान यूएई आए। इस शादी में कई मशहूर हस्तियां भी शामिल हुई। वेडिंग प्लानर, डांसर, डेकोरेटर आदि को मुंबई से बुलवाया गया। नगद भुगतान करने के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कहा कि डिजिटल सबूतों के अनुसार योगेश पोपट की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए दिए गए थे और 42 करोड़ रुपए की होटल बुकिंग ईडी में नकद में भुगतान करके की गई थी। उनमें भी भुगतान के रूप में कैश पे किया गया। ईडी ने इस मामले में भोपाल, रायपुर, कोलकाता समेत 39 जगहों पर छापेमारी की थी। इस शादी समारोह में कई बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और गायक शामिल हुए। ऐसा बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम का कोई करीबी इस समारोह में शामिल हुआ था। इस मामले में अब तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय एजेंसी ने बताया कि काली कमाई से वह दुबई में अब मौज कर रहा था। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए D24x7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।